अखबारों से माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि चाइना भारत पर आक्रमण करेगा और जल्दी ही चाइना भारत वॉर होगा। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि वॉर होगा, क्योंकि चाइना दुनिया से लड़ रही है। वजह यह है कि उन पे आरोप लगाया गया है कि कोरोना वायरस को फैलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, और दूसरी तरफ जिस तरह से नरेंद्र मोदी भारत में कोरोना वायरस से डील कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, उससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड जो है, इन्होंने भारत को पूरी तरह से डाउनग्रेड कर दिया है और बैंकरप्सी की ओर जा रहा है, ऐसा कहा है। दोनों ही अपनी पब्लिक से, लोगों से परेशान है, और इसलिए ये मिली जुली भगत है कि बॉर्डर पर फिजिकल वॉर दिखाई दे रहा है। वो कभी अरुणाचल प्रदेश में दिखता है, वो कभी असम में दिखाई देता है, वो कभी लद्दाख में दिखाई देता है, और कहीं वो सिक्किम की बॉर्डर में दिखाई देता है। दोनों भी अपने लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मैं लोगों से आगाह करता हूं कि आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में चाइना वॉर नहीं कर सकती भारत के साथ में, क्योंकि उनको एक आज के वक्त में एक मित्र की जरूरत है। और इसलिए ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है, सरकार के माध्यम से ये अफवाहें फैलाई जा रही है, इस पर आप विश्वास मत रखिए। ऐसा अनुरोध वंचित बहुजन अघाड़ी के माध्यम से मैं आप लोगों से कर रहा हूं।